हेलो एवरीवन, मेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है करवा चौथ और मेरी तबीयत मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। इतनी ज़्यादा खराब है ना कि मुझे अपनी जो एडिटिंग, जो मैं वीडियो शूट कर रही, मुझे कट करना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में इतनी ज़्यादा खांसी आ जा रही है। क्या बताऊँ, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है और बस मैं बस मैं बैठी हुई। मैंने कहा चलो आप लोगों को मॉर्निंग विश कर दे। मैंने वो काफी कुछ सोच रखा था बट उस हिसाब से नहीं हो पाया। और आज मेरा फास्ट भी है और इस टाइम मैंने मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं है, बस बिंदी और लिप ग्लॉस लगाया मैंने थोड़ा सा। और कल मैंने हेयर वॉश कर लिए थे, आज भी मुझे हेयर वॉश करना है, क्योंकि व्रत रहो कोई भी दिन पड़ जाता है, हेयर तो वॉश करना ही करना पड़ता है। जैसे गुरुवार है, गुरुवार को तो हेयर वॉश नहीं करते, बट करना ही पड़ेगा। शैम्पू मैंने कल ही कर लिया था, आज मैं ऐसे ही कर लूँगी। तो जस्ट मैं बैठी हुई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मैंने कहा आप लोगों को बता देती हूँ, इसके बाद हो सकता है मैं आप लोगों से डायरेक्ट रेडी होंगी जब ही मैं मिलूंगी, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है कि मैं ब्लॉग भी ठीक से नहीं बना पाऊंगी। आप लोगों ने बोला था दी करवा चौथ ब्लॉग शेयर करना, तो इसलिए मैं ब्लॉग बना रही, वरना मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है। अब वो लोग बार बार यही बोल रहे, सच्ची में मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब है, मेरी वीडियो भी बहुत दिन से नहीं जा रही है। तो चलिए चलते हैं, अभी नहा लेती हूँ, फिर भी जब मैं रेडी होंगी तभी मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके ठीक है, चलिए फटाफट से नहा लेती हूँ मैं। तो गाइस ये रही मेरी साड़ी। आप लोग बोल रहे थे दी आपने शॉपिंग करते समय तो वीडियो बनाई लेकिन साड़ी नहीं दिखाई। डियर इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मैंने सोचा था सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, साड़ी ज्वेलरी जो मैंने ली थी, काफ़ी सारी मैंने चीज़ें ली थी ऑनलाइन, मैंने मंगा ले रखा था पहले से, लेकिन जो सोचो ना वो नहीं हो पाता है। तो ये रही साड़ी मेरी, ये साड़ी मेरी इनके पसंद की है और ये चंदेरी बनारसी साड़ी है। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बनारसी साड़ी ट्रेंड में चल रही है, तो मैंने कहा चलो मैं बनारसी ही लेने गई थी, लेकिन मैं लेने गई थी कांजीवरम जो होती है ना वो साड़ी, मैं लेने गई थी बनारसी, लेकिन इनको चंदेरी ही पसंद आ गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी में है और ये मुझे 5000 की मिली थी, तो ये इनकी पसंद की है, गाजरी कलर की। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए अब फटाफट से रेडी हो जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं, निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं भाभी के यहाँ। मैंने कहा आपको बता देते हैं, पूजा करने के लिए मैं जा रही हूँ भाभी के यहाँ, क्योंकि हर बार भाभी यहाँ पर आती थी मैं आपको बता रही थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी वॉइस आप तक पहुँच रही है, इसलिए फिर मैं बाद में वॉइस एडिट की हूँ। तो हम जा रहे हैं वहीं पर पूजा करने के लिए, हर बार भाभी आ जाती थी, इस बार भाभी की तबीयत नहीं ठीक है, तो इस बार मैं आपको अपनी भाभी से यानी मेरी जेठानी से भी मिलवा दूँगी। आप लोग बोल रहे थे नहीं मिलवाया, तो इस वाले ब्लॉक में आप भैया भाभी दोनों से ही मिल लेंगे। तो वहाँ के लिए हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि 8 बजे का टाइम है चार निकलने का, और ये हैं मेरे हस्बैंड जी। तो चलिए चलते हैं फिर वहीं पर चल कर, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस हम भाभी के घर आ चुके हैं और भाभी ने कहा कि रंग लगा लो, तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। भाभी रंग लगा चुकी हैं और जो सामने बैठी हुई हैं ये है मेरी भाभी यानी कि मेरी दीदी यानी कि मेरी जिठानी। आप लोग बोल रहे थे कि मिलवाइए, तो मैंने मिलवा दिया, देख लीजिए अच्छे से। इनके कमर में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, बैठ नहीं पाती, इसलिए इन्होंने बेल्ट लगा रखा है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं रंग लगाने, भाभी बोल रही थी कि हाथ से मत लगाओ, कॉटन से लगा लो, हाथ में लग जाएगा इसलिए मैं बैठ गई, वो बना रही हैं कि इस तरीके से करके लगाओगी तो आराम रहेगा, तो मुझे लगाने के लिए बना रही हैं। देखिए और ये मुझसे कुछ बात कर रहे थे चांदमान को लेके, तो वही मैं सुन रही थी और चांद का इंतजार हो रहा है कि चांद जल्दी से नीचे। और सामने तो बैठी हूँ अपने, आपको तो पता ही है भाभी की दोनों लड़कियाँ हैं रिमझिम वर्षा, बाबू भी बैठी हुई है साथ में,
चलिए फटाफट से हम रंग लगा लेते हैं। और बहुत कुछ इस बार मैंने सोचा था लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैं अब रंग लगा रही हूँ, अभी तो लगा ही चुकी हूँ। अरे अभी लाएगी है। अगर कम हो ना तो समझ लेना, तो हो गया पेड़ा निकाले मत है। चार के बच्चे तो अगर प्लेट उठा तो मैं देख नहीं हर तीन तो नहीं मुझे तो कर रहा है तो कितना निकाल सकता पेड़ा को और इसके बाद रंग वंग लगा कर हम बैठे हैं, भाभी जा रही तैयार होने। इसके बाद हम जाएंगे, अब हम जा रहे हैं छत पर चांद जी की पूजा करने, चांद देखने। चांद निकल आया है, बच्चे लोग देख कर आए हैं तो हम लोग भी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं छत पर पूजा करने के लिए। आ जाने दो, अरे गिर जाएगी वो। दोनों लोग साथ में देख निकला हो सामने देखो जल्दी आओ, उनको दिख गया भाई, दिख गया, दिख गया, इधर के दूर है, दिख रही, दिख गया वो। ये चांद को देखकर बोल रहे दिख गया भाई, दिख गया। सब बहुत ही ज्यादा खुश हो गए चांद को देखकर, इतने ज्यादा खुश है जैसे लग रहा है पहली बार चांद को देखे हैं। कहाँ चंदा मामा? मामा को शाबाशी दे, मामा को छुई। चंदा मामा कहाँ है? वो है वो नहीं, मैं बनाऊं, नहीं मैं बनाऊं, रुक जाओ ही बनाना। कर दे फिर से छोटा कर देना, यहाँ नहीं दिखाई दे, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, दो दी रुक जाओ, दो दी अभी ले रहे हैं भाई, जा बुलाओ। बाबू था नहीं, भाग्य भाग्य बंदर आया है। ए
बढ़िया बनाओ चलो आइए। वो पापा कुछ करने जा रहे हैं, पापा कुछ करने जा रहे हैं। भैया पकड़िए, पापा फिर से भेज देंगे। देखो लगेंगे बाबू को। लालो लालो नहीं है, खींच रहा है पागल कहीं का। चंदा मामा दिखाई दे ही नहीं रहे, ये थोड़ी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नहीं बाबू तुम नीचे तो जाओ, उधर चल। हाँ चालू है रिकॉर्डिंग, चालू तो है। हाँ चालू तो है। आइए चलो आइए। हटो दीदी, वर्षा थोड़ा और इधर हो। रिकॉर्डिंग हो रही है, पापा को मारने फोटो खींची है। भैया बता रहे हैं भैया तो पूरा दिखा थो चांद। वर्षा हटो के सामने से, फ्लैग चलाओ, फ्लैग गाइस। इससे पहले जब चांद नहीं दिख रहे थे छन्नी के अंदर से, जब मैं बोल रही थी चांद नहीं दिख रहा है, तो वाकई में चांद नहीं दिख रहे थे छन्नी के अंदर से, क्योंकि उनसे हेला नहीं था और चांद बिल्कुल लाल लाल थे, इस वजह से छन्नी के अंदर से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। इन लोगों को मजाक लग रहा था और तो इस वजह से मैं बोल रही थी कि नहीं दिख रहे हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और इतनी मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं घर पे जाके आप ब्लॉग का एंड कर सकूं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ गाइस कि वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मामा मामा दिख गए, ओ मामा आप दिखे हैं।